कि बहुत सारे अभ्यर्थी यह बोल रहे हैं कि एग्जाम कैलेंडर जारी कर दिया भैया और परेशान है। हम ये चीज़ सभी छात्रों के कहना चाहते हैं कि ठाकुर प्रसाद जो कैलेंडर है, एग्जाम कैलेंडर जारी होते रहेगा। जब साल बदलता है तो कैलेंडर बदलता है, आपको पता होगा। तो आप टेंशन मत लिखिए, वहाँ लिखा हुआ है क्या कि संभावित एग्जाम हो सकता है। और यह सरकार में हो ही रहा है, जब से माननीय मुख्यमंत्री साहब बैठे हैं सत्ता में तब से संभावित एग्जाम, एडमिट कार्ड डाउनलोड होता है, एग्जाम होता है, वो रद्द हो रहा है। ये संभावित डेट क्या रद्द नहीं होगा? इसलिए तमाम जितने भी छात्र हैं, आप जो है डरिए नहीं और आगे आके और लड़िए। और धनबाद के जितने भी साथी, 9 साथियों का जो FIR हुआ है, उन सभी साथियों से निवेदन करते हैं कि आप डरिए नहीं। अरे हम लोग पर भी FIR हुआ है, आप जब आगे हाँ कर अधिकार के लिए आएगा तो कोई डराएगा नहीं, और आप डर जाइएगा तो कैसे कहा होगा। और माननीय महोदय जी, मुख्यमंत्री जी से निवेदन करते हैं कि आप जो FIR छात्रों को करते हैं और डरवाते हैं, जितना FIR करना है तो देवेंद्रनाथ महतो कीजिए FIR, ताकि जो है एक एक बूंद, जो एक एक हड्डी, उसका एक एक बाल, जितना उसका बाल शरीर में उतना आप उसको कीजिए FIR, वो चलेगा। लेकिन आप छात्रों को आप डराइए नहीं। अरे आप बताइए तो, पूरे झारखंड में आह्वान करते हैं छात्र नेता देवेंद्रनाथ महतो, आप उसके छोड़ के और दूसरा के FIR करते हैं, दूसरे छात्रों के करते हैं। और कौन सा गुना किया छात्रों ने? जब आपका रैली रहता है, ED जांच में रहता है, तो पूरा झारखंड बंदी रहता है, पूरे झारखंड जाम लगता है, पूरे रांची सिटी जाम लग जाता है। जब छात्र अपना अधिकार मांगने के लिए आएंगे और जाम थोड़ा सा लग जाएगा 2 मिनट के लिए, तो आप FIR कर देते हैं। ये सरासर गलत है। और JSSC के टीम द्वारा जो हमारे सूरज जो मंडल है, ये आश्वासन देते हैं कि अगला के रणनीति क्या होगा, कैसे नियम होगा, एग्जाम कैसे लिया जाएगा, ये जानकारी देंगे। बहुत बहुत नमस्कार साथियों, सभी लोगों को झारखंडी जोहार, और सभी लोगों को 2400 जिले में जो लोगों के ऊपर FIR हुआ है, सबसे पहले जिस प्रकार योगेश भारती है हमारे जो है भाई साहब, उन्होंने जैसे बताया सभी लोगों को कि डरने की जरूरत नहीं है, जो भी कानूनी ज़रूरत होगी आप सभी की सहायता करने के लिए हम लोग उसमें तत्पर हैं, उपस्थित रहेंगे। आप लोग जो भी जानकारी है 2400 जिले में किस पर जो है किस प्रकार से कार्रवाई हुई है, ये सबसे पहले आप ये सूचना हम तक पहुंचा दीजिए, और उसके बाद हम लोग कानूनी विकल्प माध्यम से आप लोगों से संपर्क करेंगे, और जो भी सहयोग और सहायता JSSC टीम के माध्यम से करना होगा निश्चित रूप से करेंगे। और चूंकि एकता का परिचय आप लोगों ने दिखाया है, तो निश्चित रूप से हम भी आपके साथ फाउंडेशन और पिलर की तरह खड़ा है। और आपकी जो इस जो मुहिम थी, जो हम सब की एक मुहिम थी जिसमें 3 दिवसीय कार्यक्रम चला, इसमें सभी ने मिलकर के अपनी भागीदारी निभाई, तो निश्चित रूप से हम भी इसमें आप लोगों का जो भी तकलीफ दुख है उस पर सहयोग करेंगे। और 2400 जिला में जिन पर भी कुछ हुआ है कानूनी कार्रवाई, वो सबसे पहले JSSC टीम से संपर्क करें, निश्चित रूप से उसका निदान किया जाएगा। इसके अलावा जो योगेश दा अभी ये बता रहे थे आप लोगों को कि इसके अलावा जो कि सरकार से हम लोग जो बातचीत करने का क्रम और कानूनी तरीके का क्या है प्रावधान, हम लोग कैसे आगे बढ़ सकते हैं, तो चूंकि कल जो सरकार जो है इवनिंग में एक जो है आपका JSSC का कैलेंडर जारी करके छात्रों को बस जो है ना एक जो है सगुफा फेंक दी है कि आप उसको पकड़िए और एग्जाम कैलेंडर जारी हुआ मतलब संभावित तिथि आ गई है और पढ़ाई में बैठ जाइए। निश्चित रूप से पढ़ाई तो करनी ही करनी है, क्योंकि पढ़ाई जारी रहेगी और लड़ाई जारी रहेगी, दोनों साथ ही करना है हम लोगों को। और सरकार को जो है अभी कम से कम जो हम अपने भावना व्यक्त किए थे, अरे 2400 जिला में आंदोलन हुआ था, कम से कम एक बार बुला लेते डेलीगेट्स को, आपकी प्रशासन के माध्यम से हमारी वार्ता हुई तो उन्होंने बोला था कि हम माध्यम बनेंगे आपका, सरकार तक आपकी आवाज़ पहुँचाने का काम करेंगे। लेकिन अभी तक जो है लगभग 2 से 3 दिन बीत जाने होके हैं, अभी तक किसी भी प्रकार का जो है संपर्क वहाँ से नहीं आया है, और जब तक संपर्क नहीं बनेगा, एक जो है कम्युनिकेशन का माध्यम नहीं बनेगा, तब तक राज्य में एक जो कम्युनिकेशन गैप का जो प्रचलन चला आ रहा है 3-6-7 महीनों से, वो लगातार चलते रहेगा। फिर कई बच्चे हुड़दंग करेंगे, कहीं उग्र आंदोलन होगा, कहीं कुछ होगा, फिर इससे निश्चित रूप से जो है बहुत सारे सरकारी जो है जो सरकारी ह्यूमन रिसोर्स का जो है वहाँ पर उपयोग होता है, फिर बहुत सारे उपयोगी कार्य नहीं हो पाते हैं। तो अभी भी विनम्र निवेदन है सरकार से कि डेलीगेट्स छात्रों का बुला लें और वार्ता कर लें, और जो भी हमारा जो नीति है, अगर बिहार हमें नहीं दे रहा है, बाकी राज्य हमें मौका नहीं दे रही है, तो झारखंड में भी हम लोग निश्चित इसको होने तो नहीं देंगे, बिल्कुल मतलब नहीं होने देंगे।
किसी को हताश होने की जरूरत नहीं है, कैलेंडर जारी हुआ है और दादा ने बोल दिया कि वो ठाकुर प्रसाद जो है कैलेंडर हर साल जारी होता है और रद्द भी होता है और संभावित तिथि है बोलेंगे अभी अपरिहार्य कारणों से ये जो हम लोग आपस लेते हैं और बदलाव करते हैं। तो ये तो हम लोग लगातार जो है ना 4-5 वर्षों से जो देख ही रहे हैं कि ठाकुर प्रसाद कैलेंडर जारी होते रहता है और फिर वो अपरिहार्य कारणों से जो है फिर उसको रद्द भी होते रहता है। उसे घबराना नहीं है किसी को। बात रहा कि आप सभी का एकता का परिचय अभी भयंकर रूप से देना है और निश्चित रूप से हम लोग जेल भरो अभियान सरकार को अगर लगेगा कि हम लोग नहीं करेंगे तो हम लोग भी छात्र संघर्ष करेंगे, हम लोग भी जीत पर अड़े रहेंगे और फिर प्रखंडों में जगह नहीं होगा, प्रशासन के पास जगह नहीं होगा, हमें रोजगार अगर नहीं मिलेगा तो रोजगार हम लोग जिनको मिला हुआ है उनके साथ जाके बैठ जाएंगे और थाने में जाके गिरफ्तारी देंगे और कम से कम खाना तो नसीब होगा, भूखे तो नहीं मरेंगे हम लोग ना। तो यही मोटा मोटी बात है सरकार से, जो हमारी 9 मुख्य मांगे हैं वो सरकार को पालन करना चाहिए और निश्चित रूप से जो जेई की परीक्षा में जो धांधली हुई थी उसके खिलाफ नकल विरोधी कानून बना करके उत्तराखंड की तर्ज पर लागू भी करना चाहिए। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।